अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की। तो आए मेरे साथ ज़ियारत करें। ये दुकानें हैं मज़ार के अतराफ़ की तरफ। अभी हम सीधा मज़ार की तरफ जा रहे हैं, बस 5 मिनट की दूरी पर है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अहले बैत हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इमाम जाफ़र सादिक बेटे हैं इमाम बाकर के, जो कि इमाम ज़ैन अलाबदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैन अलाबदीन बेटे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। दोस्तों, मैं अब मज़ार के बाहर पहुंच चुका हूं। ये मज़ार का सहन है बाहर, यह मज़ार शरीफ का बाहर का मनाज़र है। काफ़ी तादाद में अज़ादार आए हुए हैं, जो कि चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे करबला जाते हैं। इससे पहले ये लोग इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दर पर हाज़िरी ज़रूर देते हैं। कसीर तादाद में अज़ादार मौजूद हैं, जो कि कई ममालिक से आए हैं, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और भी जहाँ जहाँ दुनिया के कोने से शिया पहुँच सकते थे वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये देख रह सकते हैं आप, बहुत रश है। استشهد أمير المؤمنين صالح الإمام الحسن سلام الله عليهما رجع بأهل البيت من التنوع. الحسين طلع ليلة 28 من رجب، طلع من المدينة انتقل إلى مكة، طبعا طلع مع الحسين، نزل يوم 3 दोस्तों, अब मैं मज़ार के अंदर जा रहा हूँ। रश ज़्यादा होने की वजह से बहुत मुश्किल हो रही है अंदर जाने में। ये मज़ार शरीफ के अंदर के मनाज़िर हैं। ये कब्र मुबारक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के आप देख रहे हैं। देखिए, अब रश होने की वजह से मैं ज़रा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़ियारत कर सकें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे जवाद तकी भी उनके कब्र के साथ है। ये एक ही शिबी बनी हुई है उनकी। अल्लाह ताला इन अपने नेक बंदों के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।